उज्जैन जिला पंचायत साधारण सभा का आयोजन आज दूसरी बार भी नहीं हो सका। दरअसल ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों की लगी चौपाल गरमाई और साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर सदस्यों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल अंकिता धाकरे मीटिंग में लेट पहुंची थी। उज्जैन जिला पंचायत चुनाव होने के बाद दूसरी बार साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जाना था, जिसको लेकर उज्जैन जिले के समस्त पदाधिकारी शामिल होने के लिए जिला पंचायत कार्यालय पर पहुंच चुके थे। साधारण सभा का समय दोपहर 1 बजे रखा गया था। साधारण सभा की बैठक में ग्राम क्षेत्रों की सड़क, बिजली, पानी, कृषि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाना थी। इसके पूर्व ही सभी पदाधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के साथ पहुंच चुके थे। हालांकि बैठक में जिला पंचायत सीईओ 1:30 बजे तक नहीं पहुंची थी। इसको लेकर सभी पदाधिकारी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष नाराज हुए और उन्होंने साधारण सभा का बहिष्कार कर दिया। जिला पंचायत के सभा कक्ष में जैसे ही सीईओ अंकिता धाकरे पहुंची, उसी समय सभी लोग हंगामा करते हुए बाहर निकल गए। इसके बाद काफी देर तक नारेबाजी होती रही। समय पर नहीं पहुंचने पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को जिला पंचायत के अध्यक्ष की ओर से इन्हें हटाने की मांग की गई। जिला पंचायत सदस्य सुरेश चौधरी ने पंचायत राज के जो सपने देखे थे उसे आज जिला पंचायत सीईओ ने अधूरा रख दिया। इसके पूर्व में भी 19 तारीख को मीटिंग रखी गई थी, लेकिन शीतकालीन सत्र का हवाला देते हुए मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। 1 बजे तक जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी 21 सदस्य पहुंच चुके थे, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं थे। अगर आज जनसुनवाई थी तो बैठक नहीं रखना चाहिए थी। जो महात्मा गांधी द्वारा पंचायत राज के जो सपने थे, उसके सपनों को आज माननीय जिला पंचायत सीईओ द्वारा अधूरा रखा गया है। रही बात आज से 19 तारीख को पूर्व मीटिंग रखी गई थी, इनके जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा शीतकालीन का हवाला देके विधानसभा में विधानसभा लगी हुई थी, इस अवहेलना के कारण वो विधानसभा जिला पंचायत सभा साधारण सभा की मीटिंग स्थगित की गई थी। दूसरी सभा 3 जनवरी को आहूत होना थी। कारण 1 बजे सभी सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष 21 सदस्य 12:30 बजे सभा कक्ष में पहुंच चुके थे। 1:30 बजे तक हमने इंतजार करा संबंधित विभाग के, चलो मानते हम कि आज मंगलवार है, मंगलवार था तो उनको मालूम था कि आज जन सुनवाई है तो नहीं रखना थी उनको। फिर भी हमने 1:30 बजे तक इंतजार किया, अध्यक्ष महोदय माननीय उपाध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श किया कि भैया क्या किया जाए। इन्होंने बोला कि बहिष्कार, ये आधार जो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये जिला पंचायत पंचायत अधिनियम है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस बीजेपी नहीं है, इसलिए आज हम बहिष्कार करते हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। जिला पंचायत की साधारण सभा में पहुंचने में लेट पहुंचने पर जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे का कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रति मंगलवार को जनसुनवाई की जाती है। 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई की जा रही थी। आज आवेदकों की संख्या भी बहुत अधिक थी, आवेदक अधिक होने के कारण देर हुई है। पूर्व की बैठक समाप्त करने पर सभी को 1 दिन पूर्व सूचना दे दी गई थी। साधारण सभा की बैठक में ग्राम विकास पर कई मुद्दों पर चर्चा जनप्रतिनिधियों से की जाना थी। हमारी 11 से 1 बजे जनसुनवाई चल रही थी एंड आज क्योंकि आवेदकों की संख्या ज्यादा थी, जिस वजह से जो जनसुनवाई थी 1 बजे के बाद भी थोड़ा लेट चली थी 15-20 मिनट। और जो साधारण सभा में जितने सारे आपके अधिकारीगण होते हैं वो भी वहाँ पर जनसुनवाई में उपस्थित थे। जनसुनवाई के खत्म होने के पश्चात हम सभी अधिकारीगण और हम लोग, मैं खुद स्वयं 1:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो गई थी, जिसकी वजह से बाकी जितने भी सदस्य अगर वहाँ पर मौजूद थे उनके द्वारा आपत्ति ली गई है।